इस मूवी में जो जंगल हमें दिखाया जा रहा है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। वहाँ कुछ चीजें ऐसी छुपी हैं जिन्हें बहुत से लोग ढूंढना चाहते हैं, पर ये इतना भी आसान काम नहीं है। अब मूवी का स्टार एक ऐसे आदमी को दिखाते हुए होता है जो इसी अमेज़न जंगल में वो एंशियंट चीज ढूंढने आया था। उसके साथ उसकी पूरी टीम थी और उसका नाम था एक्वायर। जिस चीज को ये लोग ढूंढ रहे थे उसे टीयर्स ऑफ द मून के नाम से जाना जाता था। अब एक्वायर और उसकी टीम जंगल में वो चीज ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी जंगल में जान आ जाती है और वो उन सब पर हमला कर देता है। उन्हें जोर जोर से हिलाने लगता है और उठा कर फेंकता है, जिसके बाद एक्वायर और उसकी टीम की हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब वहाँ से कुछ जंगली लोग गुजरते हैं जो इनकी ऐसी हालत देखकर इनके पास आते हैं। एक्वायर इनसे रिक्वेस्ट करता है कि इन लोगों को हील किया जाए, जिंदगी दी जाए, और अब कबीले के लोग उनको हील करते हैं। लेकिन एक्वायर बहुत ही बुरा इंसान होता है। उसके दिल में इनको शुक्रिया कहने की बजाय अभी भी उसी एंशियंट चीज यानी टीयर्स ऑफ द मून का ख्याल होता है। एक्वायर जानता था कि ये कबीले वाले यहाँ के हैं, तो इनको इस चीज के बारे में भी जरूर पता होगा। वो उनसे जगह की की मांगता है जहाँ पर इनको जाना था, लेकिन वो लोग इसे की नहीं देते। और देते भी क्यों? जब कुछ भी एक्वायर की मर्जी से नहीं हो पाता तो वो इन सब कबीले वालों को मार देता है और चाबी ले लेता है। लेकिन इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक्वायर और उसके साथ एक कर्स में डूब जाते हैं। ये कर्स कबीले के सरदार ने दिया था कि ये सब लोग इधर ही भटकते रहेंगे, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी, और अगर ये जंगल से निकलने के लिए नदी से आगे चले भी जाएं तो पत्थर के बन जाएंगे। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और हम अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एक बॉटनिस्ट लिली और उसका छोटा भाई जो कि उसका असिस्टेंट भी होता है एक जगह पर होते हैं, जहाँ लिली का भाई सबको टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक दरख्त है, एक ऐसा एंशिएंट दरख्त जिसकी तलाश में कई ज्यादा लोग हैं। ये दरख्त इतना फायदेमंद है कि इसको यूज करते हुए किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और बहुत ही एडवांस मेडिसिन बनाई जा सकती हैं। इसीलिए तो हर कोई इसके पीछे है। अब इसकी चाबी को हमें ढूंढ कर उस जगह तक पहुंचना होगा। यहाँ पर लिली के भाई की बात खत्म होती है और साथ ही ये मीटिंग में अब लिली ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पर एक प्रिंस भी होता है। उन दोनों के आपस में कुछ बात होती है, लेकिन लिली बहुत जल्दी में होती है और चुपके से ऊपर की तरफ जाती है जहाँ उसे बहुत बड़ा ट्रंक मिलता है। और जब वो ट्रंक को खोलती है तो उसमें भी एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में टीयर्स ऑफ द मून की चाबी होती है। प्रिंस उसे चाबी के साथ वहाँ से भागता हुआ देख लेता है और रोता है। लिली उस वक्त विंडो से बाहर एक लेटर के साथ लगी होती है। प्रिंस उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझे मेरा बॉक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। तो वो अपनी जान बचाने के लिए वो खाली बॉक्स प्रिंस की तरफ फेंक कर वहाँ से भाग जाती है और अब अपने भाई और उस चाबी के साथ अपने घर आ जाती, क्योंकि वो लोग इस चाबी को ही तो हासिल करने यहाँ आए थे। अब दूसरी तरफ प्रिंस को वो खाली बॉक्स देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो जल्द ही लिली और उसके भाई को पकड़ पाना चाहता था। अब इन लोगों का प्लान अमेज़न फॉरेस्ट की तरफ जाकर टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करना था। अब सीन बदलता है और उधर जंगल में हम एक गाइड को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक है। वो लोगों को अपनी शिप में इस जंगल की खूबसूरत खूबसूरत चीजें दिखाकर उनसे बहुत से पैसे लिया करता था। लेकिन एक दिन एक आदमी उसके पास आकर अपने पैसों की डिमांड करता है जो फ्रैंक ने उसे कुछ दिन पहले लिए थे। तो फ्रैंक उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी पैसे कैसे दूं? फ्रैंक उसे पैसे नहीं देता तो वो आदमी फ्रैंक के शिप का इंजन अपने पास लोड कर देता है। उस आदमी के पास एक पैरेट भी होता है और फ्रैंक छुप कर उस जगह पर जाता है जहाँ उस आदमी ने चाबी रखी थी, जिसे फ्रैंक ने छुप कर देख लिया था। इतनी ही देर में वहाँ लिली भी पहुँच जाती है जो की इस आदमी से शिप्स का पता करने आई थी जिसने फ्रैंक का इंजन लिया था। इनफेक्ट ये आदमी भी बहुत मशहूर था। अब क्योंकि फ्रैंक भी वहीं पर होता है तो उसे लगता है कि ये तो वही आदमी है जिसके शिप में मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि उसी आदमी का ऑफिस होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये फ्रैंक कोई और है। अब यहाँ इन दोनों में बातचीत होने लगती है कि कितने पैसों में फ्रैंक उसे जंगल तक लेकर जाएगा। तभी वहाँ पर वो पैरेट वाला आदमी आ जाता है, यानी जिसका ये ऑफिस होता है। अब सच जानकर लिली को गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैंक के शिप में जाने से इनकार कर देती है। इसी दौरान फ्रैंक उसके गले में टीयर्स ऑफ द मून की की देख लेता है। तो अब तो वो लिली को जाने देने वाला था ही नहीं, इसलिए वो बहुत कोशिश करता है कि लिली उसी के साथ ट्रेवल करे। वो सेवन ये भी कहता है कि मैं तुमसे रैंक बहुत ज्यादा कम लूंगा, फायदे में रहोगी। लेकिन लिली नहीं मानती। नेचर का करना ये होता है कि वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जैगुआर। सब लोग उसे डर के भाग, जबकि फ्रैंक उसे बहादुरी से वहाँ से बाहर भेज देता है। लिली ये सब अपनी आंखों से देख के बहुत इम्प्रेस होती है।
और अब डिसाइड करती है कि मैं ऐसे ही गाइड के साथ जाऊंगी जो कि ब्रेव और किसी से न डरता हो। फैंग भी अपना इंजन ले चुका था इसलिए वो लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन अभी जहाज चला नहीं था कि कुछ लोग आके लिली को पीछे से पकड़ते हैं और धक्का देते हुए एक केज में बंद कर देते हैं और फिर उस केज को भी कवर कर देते हैं। लेकिन लिली बहुत चालाक होती है इसलिए वो केज का ताला खोल देती है और उन सब आदमियों को किक्स मारते हुए और उनके फेस को भी कवर करके उनका सर केज के साथ मारती है और अब यहाँ से भाग जाती है। इनफेक्ट ये प्रिंस के ही भेजे गए लोग थे जो लिली से वो की लेना चाहते थे। अब लिली किसी ऊंची जगह पर से होते हुए जाने लगती है लेकिन गिर जाती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक भी पहुँच चुका होता है और उसे जमीन से उठने में उसकी मदद करता है। वो उसे साथ चलने का कहते हुए पानी में कूद जाता है लेकिन लिली ड्राई यानी खुश्क रास्ते से रस्सी की मदद से शिप तक आती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और वो पानी से भी डरती थी। अब प्रिंस लिली का पीछा करते करते यहाँ तक भी आ चुका था। इस शिप पर जिसमें लिली होती है उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो अपनी सबमरीन में बैठा होता है और वहाँ से वो फ्रैंक के शिप पर शूट कर रहा था, लेकिन फ्रैंक अपने जहाज को मूव करते हुए उसकी गोलियों से खुद को अपने शिप को बचाता है। प्रिंस अपने शिप में से दो टॉरपीडोज भी निकालता है लेकिन तब भी फ्रैंक अपने शिप को तेजी से मूव करता है और टॉरपीडो से हिट नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्रिंस की अपनी सबमरीन वहाँ पर स्टक हो जाती है। अब ये लोग अपने सफर के लिए आगे निकल पड़ते हैं लेकिन रात होते अपने शिप को एक जगह पर स्टे करवाते हैं। फ्रैंक लिली उसके भाई के लिए कुछ फिशेस को पकड़ता है जिसे रात में वो खाते हैं। अब ऊपर फ्रैंक और लिली बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि लिली का भाई डरते हुए ऊपर की तरफ आता है और कहता है कि नीचे वही जैगुआर है। तो फ्रैंक उसे कहता है घबराओ नहीं ये मेरा पेट है। तो ये सुनकर लिली को बहुत गुस्सा आता है कि फ्रैंक ने मुझे शिप में बुलाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। दूसरी तरफ हम उसी प्रिंस को देखते हैं जो कि केव के अंदर एक रस्सी की मदद से जाता है। वहीं पर उसको एक वायर और उसकी टीम दिखाई देती है जो कि उस कर्ज की वजह से पत्थर के बन चुके थे। लेकिन प्रिंस के माइंड में यहाँ पर एक प्लान होता है, बहुत ही बुरा प्लान। वो जानता था कि ये लोग जंगल से बाहर निकलने के लिए नदी के पार गए होंगे और नदी के पास जाते ही पत्थर के बन गए। तो क्यों ना इन पर नदी का पानी डाला जाए। उन सब पर पानी के कुछ कतरे डालता है तभी एक्वायर की बॉडी में से दो सांप बाहर आते जो इनफेक्ट एक्वायर की कमांड्स पे ही चलेंगे। तो प्रिंस एक्वायर से कहता है अगर तुमने मुझे टीयर्स ऑफ द मून की चाबी ला दी तो कि यहाँ आने वाली एक लड़की के पास होगी तो मैं तुम्हें भी टीयर्स ऑफ द मून दूंगा क्योंकि तुम लोग खुद तो पत्थर के बने हुए हो और वहाँ तक आसानी से जा नहीं सकते। तो स्नेक्स डील मान लेते हैं। इसी के साथ प्रिंस उन सब लोगों पानी के चंद ड्रॉप्स डालकर उनको आजाद कर देता है। उधर फ्रैंक का शिप जिस जगह से गुजर रहा होता है वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वहाँ बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे उनके इतनी जोर से हिलती है कि फूल लोग भी अंदर से हिल जाते हैं। सबको अपनी जान की फिक्र होने लगती है और इससे पहले कि शिप आप शार्क के साथ नीचे गिरती फ्रैंक बड़े अच्छे तरीके से अपनी शिप को मूव करता है, सबकी जान बचा लेता है। लेकिन इस दौरान शिप को काफी ज्यादा डैमेज आता है तो फ्रैंक उसे एक जगह पर रोक कर वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काटता है और अपनी शिप को प्रिपेयर करने लगता है। हम लिली को देखते हैं जो कि शिप में मौजूद फ्रैंक के सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें टीयर्स ऑफ द मून के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। लिली जब उसे पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि फ्रैंक भी इस तरह को ढूंढ रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है तो लिली उसे कहती है अच्छा तो तुम भी टीयर्स ऑफ द मून ढूंढ रहे थे, इसके लिए तुमने हमें यूज किया है ताकि अगर हम उसे ढूंढे तो साथ तुम्हें भी मिल जाए। तो फ्रैंक कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर वो मुझे मिलना होता तो कई साल पहले मिल जाता जब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो लिली कहती है लेकिन अब की बार मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास उसकी चाबी है। इन्हें शिप के ऊपर किसी चीज की आवाज आती है। जब वो लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जंगली लोग होते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर फ्रैंक उनकी जुबान में उनसे बात करने लगा है और लिली को ये कहता है कि मैंने इनसे कहा है कि ये लोग मुझे कैद रख सकते हैं क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं तो ये तुम्हें छोड़ते हैं। लेकिन जंगली लोग फ्रैंक की कोई बात नहीं मानते और आगे से कुछ बोलने लगते हैं। तो फ्रैंक लिली से कहता है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें टीयर्स ऑफ द मून की चाबी दे तब ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन लिली कहती है कि नहीं हरगिज़ नहीं। और इसी के साथ वो जंगली लोगों पर अटैक करने वाली होती है से उठाती है तभी उन जंगली लोगों की लीडर बोल दिया है फ्रैंक का प्लान फेल। इससे लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक ने ये सब ड्रामा किया था सिर्फ और सिर्फ उस चाबी को हासिल करने के लिए। तो वो फ्रैंक के मुंह पर थप्पड़ मारती है। अब वहाँ के लीडर लिली को सारा नक्शा समझाने लगती है कि तुम्हें किस तरह से जाना होगा। तो लिली फ्रैंक से कहती है कि अब मैं अकेली उस जगह पर जाऊंगी, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। तो फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम अकेली लड़की हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई है, तुम लोग वहाँ तक मेरी मदद के बगैर कैसे पहुँचोगे। तो लिली है कि सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन इससे पहले कि वो निकलती वहाँ पर एक वायर और उसके साथ ही आ जाते हैं जो कि बहुत अजीब लग रहे होते हैं।
रिक्वायर के फेस से वही स्नेक्स बाहर आ रहे होते हैं। उसके साथियों की बॉडी पर भी काफी ज्यादा कीड़े मकोड़े थे। उनके हाथ में नेजी होते हैं और फ्रैंक उनसे लड़ने लगता है। रिक्वायर लिली के गले से वो चाबी चुराना चाहता था और कुछ पता नहीं कि वो लिली को मार भी देता। तो रिक्वायर लिली को उठाते हुए एक बिल के साथ लटक कर दूसरी जगह पर जाता है और उन सबको मार मार कर नीचे गिराता रहता है। लेकिन एक आदमी लिली से उसकी वो चाबी छीन लेता है, दूसरे आदमी को कैच करवाता है। लेकिन अब फ्रैंक रिक्वायर के पास जाता है क्योंकि चाबी उसके पास पहुंच चुकी होती है। वो उसे लड़ने लगता है लेकिन आगे से रिक्वायर भी और रिक्वायर के स्नेक्स भी फ्रैंक से लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों में एक टाइप का कराटे होने लगता है। आखिरकार फ्रैंक रिक्वायर से वो चाबी छीन लेता है लेकिन तभी रिक्वायर उसके दिल में एक तीर मारता है जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है। वो चाबी लिली की तरफ उछालता है। लिली उसे पकड़ लेती है और काफी उदास हो जाती है कि इसने इस चाबी की खातिर और हमारी जान बचाने की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तभी यहाँ पर कबीले की लीडर लिली से कहती है कि अगर तुम नदी के उस पार चली जाओगी रिक्वायर और उसके लोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से वो पत्थर बनकर आए थे तो दोबारा ये लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो अब लिली अपने भाई से मिलकर बाकी सब लोगों को गुड बाय कहते हुए नदी के उस पार चली जाती है जहाँ पर वाकई में रिक्वायर और उसके लोग नहीं पहुँच पाते। लिली के पीछे पीछे उसका भाई भी आ जाता है। सुबह होने पर जब लिली उस जंगल में चल रही होती है तो उसे फ्रैंक की बॉडी मिलती है जिसे देख के वो पहले तो डर जाती है लेकिन नोटिस करने पर उसे पता चलता है कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है लेकिन वो नेजा या तीर अभी भी उसके दिल के आर पार होता है। तो फ्रैंक लिली से कहता है कि डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी कर्स्ड हूँ। पिछले 400 साल से इसी तरह मरता हूँ और जिंदा रहता हूँ। अब लिली यहाँ पर एक झटका देते हुए वो नेजा फ्रैंक की चेस्ट से बाहर निकाल लेती है जिसे अब देख कर लिली का छोटा भाई बेहोश हो जाता है। लिली फ्रैंक के साथ प्लान करती है वो टीयर्स ऑफ द मून तक जाएगी और उसे कबीले के लीडर ने ये बताया होता है कि वो सिर्फ लूनर इक्लिप्स तक ही ग्लो करता है, इसके बाद उसका कोई फायदा नहीं। तो इनको जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था। लिली अपने भाई को कबीले वालों के पास ही छोड़ जाती है, तुम इनके साथ ज्यादा सेफ हो। अब यहाँ पर फ्रैंक लिली को सब कुछ बताने लगता है कि मैं भी रिक्वायर का ही एक बंदा था, उसकी टीम में से था और हम सब टीयर्स ऑफ द मून को लिए ढूंढ रहे थे क्योंकि रिक्वायर की बेटी बीमार थी और उसे उस तरह का पूछ चाहिए था। लेकिन जब कबीले वालों ने उसे उस जगह की चाबी नहीं दी तब रिक्वायर ने उन सबको मार दिया और तब हमको ये कर्ज मिला था। मैंने ही उन्हें उस नदी के पार किया और कुछ झाड़ियों में बसा दिया, इससे वो सब लोग पत्थर के बन गए और जबकि मैं अपनी जान बचाता हूँ आज तक जिंदा हूँ। तो प्रिंस को भी कुछ फ्लाइज बता देती है कि लिली अब कहाँ जा रही है। तो प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर उसका पीछा करने लगता है लेकिन तभी रास्ते में उसे कुछ कबीले वाले मिलते हैं जिनके शिप में लिली का भाई होता है और वो उसे सैर पर लेकर जा रहे होते। लेकिन यहाँ पर प्रिंस लिली के भाई को रोक लेता है, अपने पास कैद करते हुए पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। लिली का भाई डरते हुए उसे सब कुछ बता देता है और अब प्रिंस उस तरफ निकलता है जबकि फ्रैंक और लिली उस जगह पर पहुँच ही चुके थे जिस जगह से वो तो बहुत ज्यादा करीब था। फ्रैंक पानी में कूद जाता है, देखता है कि वो दरवाजा जिसको ये चाबी लगने वाली है वो पानी के नीचे ही है। तो वो लिली को आकर समझाता है कि हमें पानी के नीचे जाना होगा क्योंकि लिली डर रही होती है। तो फ्रैंक उसे समझाकर अपने साथ नीचे ले जाता है। अब लिली उस दरवाजे को खोलने लगती है लेकिन उसका पांव एक पत्थर पर आता है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। फ्रैंक बाहर ही होता है, लिली घबरा जाती है, वो बाहर निकल कर ऑक्सीजन भी नहीं ले सकती थी तो फ्रैंक उसे ऑक्सीजन देता है। तभी वहाँ पर कुछ मछलियाँ आती है लेकिन फ्रैंक उनके बीच चला जाता है ताकि वो मछलियाँ लिली पर अटैक न करें। तो इस वजह से लिली को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो बेहोश हो जाती है लेकिन जल्द ही हिम्मत करते हुए तैरती है, उस दरवाजे को खोल ही देती है जिससे सारा का सारा पानी उस दरवाजे के अंदर जाने लगता है और वो जगह ड्राई हो जाती है जिसके बाद फ्रैंक और लिली दोनों ठीक हो जाते हैं। अब इससे पहले कि फ्रैंक और लिली इस दरवाजे के अंदर जाते और उस तरफ को ढूंढ पाते यहाँ पर प्रिंस भी अपनी सबमरीन में आ जाता है, उसकी कैद में लिली का भाई भी होता है। वो गन पॉइंट करके लिली को ब्लैकमेल करता है, अगर तुमने मुझे वो चाबी ना दी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। लिली को उसे वो चाबी देनी ही पड़ती है और वो सब लोग मिलके उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने पेंशेंट दरख्त आता है तो ये लोग देखते हैं कि वो दो अंधेरा और सूखा हुआ दरख्त है, किसको ग्लो करना चाहिए था। तो उन लोगों की समझ में एक बात आती है, इसको उसी चाबी की मदद से ग्लो किया जाए। यहाँ पर प्रिंस फ्रैंक से कहता है कि तुम तो 400 साल से इसी जंगल में रह रहे हो तो तुम्हें पता होगा इस दरख्त में चाबी कहाँ पर लगेगी, तो इसको मेरे लिए लगाओ। तो फ्रैंक कहता है एक शर्त पर, क्योंकि मैं अपने ऊपर से कर्ज खत्म करना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। इसे सुनकर लिली उदास हो जाती है, शायद वो फ्रैंक को पसंद करने लगी थी और नहीं चाहती थी कि वो मरे। जब फ्रैंक उस दरख्त को जाकर देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि चाबी कहाँ
लगानी है। वो लिली से मदद मांगता है। लिली कहती है कि अगर मैंने चाबी लगाई तो मुझे भी एक होल चाहिए होगा। तो प्रिंस उसे कहता है नहीं, होल एक ही मिलेगा, तुम लोग सोच लो कि किसने वो खोल रखना है। तो फ्रैंक लिली से कहता है तुम चाबी लगा लो और खोल भी रख लेना, लेकिन उसके बाद प्लीज मुझे मार देना क्योंकि मैं इस दुनिया से आजाद होना चाहता हूँ, मैं खून से मरना चाहता हूँ। तो लिली मान जाती है। वो भी चाबी लगाने की ट्राई करती है लेकिन वो कहीं पर फिक्स ही नहीं हो रही होती। तो तभी उन्हें याद आता है कि कबीले के लीडर ने उन्हें ये बताया था कि इसमें सांप का दिल है। वो उस पत्थर को यानी चाबी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का चैन निकलता है जो कि दिल था। उसे दरख्त में बनी हुई जगह पर लगा देते हैं और पूरा दरख्त ग्लो करने लगता है। उस पर पिंक कलर के फ्लावर्स निकलने लगते हैं और ये देख के प्रिंस के मुंह में पानी आ जाता है। इससे पहले कि वो सारे के सारे फूल तोड़ता, फ्रैंक उस प्रिंस के लोगों पर अटैक करने लगता है। फ्रैंक अपना सर उनमें से एक आदमी के सर के साथ जोर से मारता है और अपनी गन से उन सब लोगों के मुंह पर के पेट पर वार करने लगता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए लिली उस तरफ के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि लूनर इक्लिप्स खत्म होने में यानी चांद ग्रहण खत्म होने में सिर्फ एक मिनट बाकी था। ये एक मिनट तो लिली को वहाँ चढ़ने में लग जाता है। जैसे ही पुल को तोड़ने वाली होती है तो पुल मुरझाने लगता है और रात बनकर गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी लिली उस मुर्गे के साथ तोड़ ही लेती है जो कि एक छोटा सा पुल होता है। नीचे से प्रिंस चिल्लाने लगता है ये पुल मुझे दो, लेकिन लिली वो पुल नीचे फेंक देती है जिसे फ्रैंक कैच कर लेता है। ये देख के प्रिंस और एक्वायर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोच रहे होते हैं कि वो अब लिली को जान से ही मार देंगे क्योंकि आखिरी मौका भी उनके हाथ से निकल चुका था। तो फ्रैंक उनको पूल दिखाते हुए अपने पीछे लगाता है। फ्रैंक अपनी शिप लेकर वहाँ से चला जाता है और उससे पहले जैक्वायर लिली के भाई को वहाँ पर उतार देता है। लेकिन इससे पहले कि प्रिंस उसके पीछे आता, प्रिंस के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब एक्वायर फुल गुस्से में फ्रैंक और उसके जहाज के पीछे होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली को एक कपड़े में लिपटा हुआ वही पूल मिलता है जो कि फ्रैंक जाने से पहले लिली के भाई को दे गया था, जिस पर लिली बहुत इमोशनल हो जाती है कि उसने हमारी जान बचाने के लिए और हमें ये फूल देने के लिए अपने पीछे साले लोग लगवा लिए। उधर फ्रैंक की शिप किसी जगह से टकराती है तो वहाँ के सब दरख्तों में जान आ जाती है। वही जगह होती है जहाँ पर एक्वायर के लोग पहले भी पत्थर बन चुके थे और यहाँ पर देखते ही देखते सारे लोग दरख्तों की पकड़ में आकर पत्थर बन जाते हैं। और जब लिली यहाँ पर आकर देखती है उन्हें देख के बहुत उदास हो जाती है और अपने हाथ फ्रैंक के फेस पर लगाती है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो उसके पास जो उसका फेवरेट फूल होता है जिसके लिए उसने इतनी एफर्ट की होती है वो फ्रैंक के मुंह में रखती है, लेकिन वो फूल भी गायब हो जाता है और फ्रैंक दोबारा से ठीक नहीं हो पाता। तो वो काफी होपलेस होकर अपने भाई को लेके यहाँ से जाने लगती है। फ्रैंक का जैक और भी वहाँ पर बहुत उदास बैठा होता है और कुछ भी बोल नहीं रहा होता। लेकिन जैसे ही लिली और उसका भाई वहाँ से जा रहे होते हैं उन्हें जैकवर की आवाज आती है। तो फौरन से लिली के दिल में एक क्लिक होती है कि शायद फ्रैंक में मूवमेंट आई होगी। वो फौरन से जाकर ऊपर देखती है तो वाकई फ्रैंक अब ठीक हो चुका होता है, उसकी बॉडी से खून भी आ रहा था। का ये मतलब था कि वो घर से आजाद हो चुका था। लिली उसे गले से लगाती है और उसका छोटा भाई भी बहुत खुश होता है। जैकवर भी साथ होता है और ये चारों खुशी खुशी वहाँ से निकलने लगते हैं। इन तभी इनको दिखता है उस दर पर एक और फूल बाकी है। उसे तोड़ते हुए लिली अपनी कंट्री ले आती है, वहाँ जाकर मेडिसिन बनाती है जो कि बहुत फेमस होती है। तब लिली और उसका भाई पूरी दुनिया में माने जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली फ्रैंक को इस नई दुनिया में रहना सिखा रही होती है, उसे गाड़ी चलाना सिखा रही होती है। साथ ही साथ उनके पीछे फ्रैंक का जैक्वायर भी बैठा होता है। वो लंदन की रोड्स पर मजा करते और गाड़ी चलाते हुए बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके साथ ये मूवी यही करंट होती है। आई होप आपको ये मूवी जंगल क्रूज बहुत अच्छी लगी होगी।